महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के 2.5 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा टैक्सी मालिक और ऑपरेटर 31 जुलाई की रात से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कोंकण मंडल में ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं। इन जिलों के 2.5 लाख से ज्यादा ऑटो और टैक्सी चालकों ने 31 जुलाई की रात से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया है। रिक्शा टैक्सी के अध्यक्ष प्रणव पेनकर ने बताया कि राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों की काफी समय से मांगों को नहीं सुना है, इसलिए हमने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया। ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों की प्रमुख मांगों में किराए की वृद्धि थी क्योंकि CNG की कीमत बढ़ी, लेकिन उनका किराया नहीं। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस इलाके में ऑटो रिक्शा को कई परमिट जारी किए हैं और इसे कम से कम 10 से 15 साल के लिए रोकना चाहिए क्योंकि ये मौजूदा चालकों पर प्रभाव डालता है। बता दें कि पिछले महीने जून में CNG सहित पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ने से ड्राइवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चालकों का कहना है कि तेल के दाम तो लगातार बढ़े, लेकिन किराए में बढ़ोतरी को लेकर कोई नियम सामने नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।